इलेक्शन में आज आखिरी दिन है, एक किसको घर जाए तो सब जगनमोहन रेड्डी साहब को मदद में है। हर घर को सब स्कीम्स आए, अमोड़े आए, आसरा आए, पेंशन आ रहे, घर को आके पेंशन दे रहे, सब खुशी में है। सब जगनमोहन रेड्डी साहब को मदद करने के, जगनमोहन रेड्डी साहब अच्छा कर रहे तो अभी उनको मदद कर रहे तो आने के दिन में और अच्छा करते वो सोच में है सब। इसके वास्ते जगनमोहन रेड्डी फैन हवा चल रहे। अभी ये कर्नूल इलेक्शन में भी कम से कम 45 सीट्स आने के चांसेस है। ये 5 सीट 6 सीट भी उधर लोकल प्रॉब्लम्स में जाने के चांसेस है, नहीं तो सब 52 सीट्स आने के चांसेस है। ये 2 सीट ऑलरेडी इनॉर्मस हो गए। ये चंद्रबाबू नायडू साहब क्या बोल रहे, जगनमोहन रेड्डी साहब स्कीम्स अच्छा नहीं बोल रहे, जगनमोहन रेड्डी साहब अच्छा काम कर रहे नहीं बोले, उन्हें करप्टेड नहीं बोले। ऐसा है तो पंचायती इलेक्शन में रिजल्ट एक्सेलेंट रिजल्ट्स आए, अब तक कोई चीफ मिनिस्टर का ऐसा रिजल्ट नहीं आए। वो पंचायती इलेक्शन में कैसा रिजल्ट आए, ये म्यूनसिपल इलेक्शन में सेम रिजल्ट कंटिन्यू करते, जरूर कंटिन्यू करते। आने के MPTC ZPTC इलेक्शन में सेम रिजल्ट आए। वो तीनों इलेक्शन होने के बाद चंद्रबाबू नायडू साहब सब दुकान बंद करके हैदराबाद में फैमिली करके, वो तीन चंद्रबाबू नायडू साहब, उनका बेटा, उनका साला बालकृष्ण, सब बंद दुकान बंद करके आंध्रा में हैदराबाद में बिजनेस करना। आने के 2024 इलेक्शन में तेलुगुदेशम पार्टी कंटेस्ट नहीं करते, दूसरा पार्टी आए तक जगनमोहन रेड्डी कंटिन्यू करते। अब पहले बोले दुल्हन स्कीम मार्च 1 से दुल्हन स्कीम स्टार्ट करते। ये मार्च में इलेक्शन कोड आए, इलेक्शन कोड होने के बाद दुल्हन स्कीम जरूर स्टार्ट करते। जगनमोहन रेड्डी साहब एक बार बात दे दे तो जरूर काम हो जाता। इलेक्शन कोड होने के बाद डेफिनेटली दुल्हन स्कीम स्टार्ट करते।